चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। देखो ये सत्संग वचन ही जीवन का असली सार बताते हैं कि मानव जीवन परमात्मा ने क्यों दिया और तमाम शरीरों में क्यों नहीं भेज दिया। ये केवल सत्संग ही समझाता है, क्योंकि ये संत वचन है और संतों ने इसकी महिमा जानी कि मानव शरीर कितने भाग से आपको मिला। जब आपने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हो गई, तो परमात्मा ने यह अवसर मानव शरीर का दिया कि जाओ आपकी बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना। जब वो रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे और रास्ते को पकड़ चल पड़ोगे तो अपने घर पहुंच जाओ, क्योंकि ये तो हमारा आपका घर नहीं है, ये तो काल माया का देश है। यहां जो हमने आपने जो शरीर इंद्रियों से जो जो कर्म किए उसी के अनुसार ही उसने कर्मों का विधान बना दिया, एक पाप का एक पुण्य का। तो अनुभव के लिए कभी आपने अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी असुख किया, उसी पाप पुण्य की कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। अब इससे कोई निकालने वाला है नहीं, जितने आए वो सब बेचारे फंसते चले गए, फंसते चले गए। निकालने वाला ना आया न निकलने का प्रयास किया गया। तो जब कलयुग में संत पधारे तब उन्होंने ये रास्ता दिया। वैसे तो कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कलयुग सबसे अच्छा है। कलयुग समय हम युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान कोई अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के कल्याण को करने वाले संत महापुरुष कलयुग में ही आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए, जबकि वो अच्छे युग थे, लंबी लंबी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत वाले, इंद्रियों के संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान खाने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे, वो कलयुग में ही आए, वो हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए आए कि चलो इनको सहारा दे दिया जाए, इनका कोई सहारा नहीं है। ये सब तरफ से निवास हो चुके हैं, असमर्थ है, असहाय है, कमजोर है, चलो इनको सहारा देते। तो उन्होंने नाम का सहारा दिया। ये नाम ही सर्वोपरि सहारा है, क्योंकि जीवात्मा का सहारा नाम, जीवात्मा का आधार नाम है, जीवात्मा की डोरी नाम है, जिस डोरी को पकड़कर वो नीचे उतारी गई थी, वो डोरी काल माया ने मिलकर छीन लिया, बहका दिया, भरमा दिया और डोरी को छीन लिया। अब जब डोरी हाथ से निकल गई तो भी चढ़ेगी कैसे, कैसे जाएगी, बस फंसने का यहीं से काम की शुरुआत होती है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में संतों ने अपनी दया फरमाई है, अपनी मेहरबानी कृपा की है कि चलो इस कमजोर गंदे जीव को निकालो और धीरे से इसको घर पहुंचा दो ताकि इसका दुखी खत्म हो जाए। जन्मत मरत असे दुख हुई, जन्म मरण की असे नहीं पीड़ा है, इस पीड़ा को किसी ने खत्म किया नहीं, न कोई ऐसा आया जिसने जन्म मरी की पीड़ा से अलग होता या जीवों को अलग कर सकता। तो ये तो अवसर हमें आपको कलयुग में मिल गया, तो कलयुग सबसे अच्छा युग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी गुरासिक प्रेमी, देखो वो बड़ा सुंदर अवसर है। इस अवसर से अगर चूक गए फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। मानव जीवन तो मिल सकता है, लेकिन मानव जीवन के जानकार संत महापुरुष नहीं मिलेंगे। जब जानकार नहीं मिलेंगे, जानकारी नहीं मिलेगी, तो मानव जीवन पाने का मतलब क्या होगा? मतलब तो उनके द्वारा हल होगा जिन्होंने इस जीवन के बारे में समझा है, जाना है और स्वतः मानव शरीर धारण करके यहाँ पर जीवों को जगाया है। उनको मानव शरीर की महिमा मालूम है, कितना उच्च कोटि का ये मानव शरीर है, लेकिन हम लोग आपने तो इसके बारे में कुछ जाना नहीं, जो आओ उन्होंने बताया नहीं। ऐसा मालूम पड़ता उनको भी नहीं मालूम था, या तो बताने का अधिकार नहीं था या उनको स्वतः मालूम नहीं था। लेकिन हमें आपको तो रास्ता मिल गया, हमारे आप पर तो दया कृपा हो गई। अब दया कृपा को हम संभाल के कैसे रखें? दया कृपा से ही तो काम होगा। अगर दया हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी, फिर इस 484 लाख लड़कों की उंगलियों से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जब समय मिल गया है उस समय का लाभ उठा लीजिए, नहीं भी निकल जाएगा। वो तो कितनी रफ्तार से समय जा रहा, आजकल सुबह शाम, आजकल सुबह शाम, इसी गिनती गणना में हमारा आपका समय जा रहा है। लेकिन हमने आपने इस पर कभी विचार नहीं किया, भी जा तो रहा इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर इसको काम में लगा लें तो हमारा काम बन सकता है। बस बुद्धिमानी अच्छी बात की है, इस शरीर से काम ले लीजिए। जो काम आप ले रहे हो वो शरीर का काम नहीं है, वो तो भोगों का काम है। भोग तो हर शरीर में है, चाहे पशुओं में जाओ, चाहे पक्षियों में, चाहे कीड़े मकोड़े में जाओ, आदमी जंगली जानवरों में जाओ, उनमें भी भोग है, उनमें भी वजन है, उसमें मजबूत त्यागना, बाल बच्चे औलाद पैदा करना, उनमें भी है। लेकिन मानव शरीर किसी खास काम के लिए मिला है, वो खासियत क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे तो यहाँ का वो रोना धोना खत्म हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, काल की गुलामी से, दास्ता की जंजीरों से आपको छुटकारा मिल जाए। तो बात को समझना चाहिए। जब संत महापुरुषों ने राज खोला, पहले तो लोगों को बड़ी शंका हुई है क्या करें, क्योंकि यह कभी तो रास्ता था नहीं, किसी ने बताया था, पहले तो बड़ा परेशान किया उनको, बहुत तंग किया, ये क्या कह रहे हैं, वो कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है, जो यहाँ कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा वो कह रहा, जो कभी किसी ने कहा नहीं वो कह रहा, जो कभी किसी ने किया नहीं वो करने की बात कह रहा, जहाँ किसी को पहुंचाया नहीं वहां पहुंचाने की बात कर रहा, तो सब ये उल्टा दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे 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 जब उन्होंने सुनाना समझाना शुरू किया, तब कुछ लोगों की समझ में आने लगा कि बात तो कोई जरूर है, अगर ऐसा कोई है नहीं तो बताते क्यों है, ऐसा कभी रहा नहीं होगा तो फिर कहते क्यों है, रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि जब हम आए हैं तब भी रास्ता था, जाएंगे तब भी रास्ता होगा। आने जाने के इसी रास्ते को समझना तो है ही आपको, कि हम किस रास्ते से हमारी जीवात्मा आई और किसको आधार बनाकर पकड़ के आई, और किसने आधार वो छीन लिया जो फंस के रह गई यहां और जा नहीं पाई। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, बस इसी की जानकारी आपको करनी है। इसी जानकारी का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग हो जाएगा तो ये झूठ और छलकपट
जो काल माया ने फंसाने के लिए तैयार किया ये सब समाप्त हो जाएगा। जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक उधर कोई जीव नहीं जा नहीं सकता। इतने उसने बखेड़े लगा लिए, इतने बंधन, इतने रोड़े अटकले लगा रखी है कि आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते। पहली बात तो उसने कर्मों के विधान में फंसा लिया और फिर आप पहरा लगा दिया। किसका? काम गुरु लोमो अहंकार का। ये इतने सख्त पहरेदार हैं, एक पहरेदार से भी आप लड़ नहीं सकते। एक ही पहरेदार ने आपको परास्त कर दिया, काम ने। काम ने इतना परास्त कर दिया, बिल्कुल झकझोड़ दिया, सारी ताकत आपकी निचोड़ लिया। तुम किसी के काबिल नहीं रहे हो, ये तो अभी पहले ही है। दूसरा क्रोध है, तीसरा मोह है, चौथा है एका, पांचवा अहंकार। मोह और अहंकार ये भी सब कठिन है, एक से एक बढ़कर है फंसाने वाले, और तुम किसी को परास्त नहीं कर सकते, किसी से जीत नहीं सकते हो, किसी को तुम मतलब नहीं हट नहीं कर सकते हो। इतने सशक्त कहे बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन ते का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा पुत्र और चौथा नातिमान। ये तो बंधन इतने लगा दिया, और उसके पहरेदारों को देखिए आप कितने खड़क कठिन है, कितने बलवान शक्तिशाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मोह सकल व्याधियों का मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ मोह है। और मोह जाएगा कैसे? बिन सत्संग न हुए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं हो सकता। देखो सब जानकारी आपको मिली, जानकार आए जानकारी दी, लेकिन उनकी जानकारी पर विश्वास नहीं किया, और किसी जानकारी को आपने पकड़ा भी नहीं है तो फंसने का काम रह गया, करने का काम खत्म हो गया। निकालने वाला आया उसको आपने पहचाना नहीं, उन्होंने जुक्ति दी उस पर विश्वास नहीं किया, तो बताओ ये काम तुम्हारा होगा कैसे? स्वतः तो जीव कर नहीं सकता, इतना शक्तिशाली जीव नहीं है कि खुद कर सके। खुद कर नहीं सकते हो, जो करने वाला है उस पर विश्वास नहीं, तो फिर ये काम तुम्हारा करेगा? इसी पर आपको विचार करना चाहिए था। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने सर्वप्रथम तो रास्ता ही बताया, क्योंकि समय कम है, उसमें भी किसी का 50 चला गया, 60 चला गया, 70 चला गया, अब बचा कितना है? 100 साल का समय आपको मिला इस शरीर का कलयुग में, और उसमें से इतना निकल गया, अब कितना बचा है इसी पर तो आपको विचार करना है। कि सब तो समय निकल गया, थोड़ा समय बचा है, इसी समय में अपना काम बनाना है। ये हमें आपको चौकसी और बुद्धिमानी रखनी है कि हम ये बचे हुए समय को काम न होने दें, इधर उधर व्यर्थ के कामों में न जाने दें, तब तो संभव हो सकता है। अगर यही रहनी गहनी बनी रही, वही आदत मन की बनी रही, तो फिर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल को और कोई यानी सरल नहीं बना सकता, क्योंकि सब इसी में फंसे हैं। जितने आए, तीन तीन युगों का इतिहास उठाइए, जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते जाते तो सब रहे, लेकिन वो भी निकल नहीं पाए। निकलने का मतलब उनकी भी जीवात्मा न जगी न घर पहुंची। ये तो सारी सृष्टि का विधान बताया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में अपने सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न, उसको उनके लिए लिखा, और विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का आनंद उठा रहे, यद्यपि उनका तीसरा नेत्र खुल गया, लेकिन आगे के लोक मंडल मुकामों का रास्ता बताने वाला कोई संत महापुरुष नहीं मिला, वो भी फंस के रहे, निकल वो भी नहीं पाए। भगवान राम साकेत रूप का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार एकमात्र संत सदगुरु को है, और किसी को नहीं, और वो कलयुग में आए।
वो उन युगों में आए नहीं थे। तो अच्छा युग होते हुए भी, अच्छी उम्र मिलते होते भी जीवात्मा का काम नहीं हो पाया, क्योंकि जीवात्मा के जानकार उन युगों में नहीं आए थे। जानकारी नहीं मिली तो जीव शारीरिक इंद्रियों की साधना तो किया, लेकिन मन और जीवात्मा की साधना नहीं हो पाई, इसीलिए सब के सब फंसे पड़े रह गए। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए आप। वैसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये शंका कर सकते हो कि भाई अपने मन से कुछ कह रहे हैं बना चुना कर। तो जरा जो भी संत महापुरुष आए जिन्होंने रास्ता दिया, जरा उनके वचनों को सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं समझा के। कल तो आपको बताया था, गुर कहे खोल कर भाई का, वो बिल्कुल यानी कुरा बिल्कुल राज को खोल दिया, रास्ता साफ कर दिया, पर्दा हटा दिया। का गुरु ने खोल कर ये कहा कि ये जीवात्मा सुरत हो, अब तू अपने घर को चल, तेरे चलने का समय आ गया है और रास्ता देने वाला आ गया, रास्ते को लेकर उस पर चलो, अभ्यास करो, तो धीरे धीरे एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि चल सूरत गगन की घाटी, 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 क्यों जले भरम की बाटी, क्यों जले भरम की बाटी, क्यों जले भरम की बाटी, जले भरम की बात। देखो क्या रास्ता खोल के कह रहे, ऐ जीवात्मा सुरत रू चल अपने घर की तरफ चल, तेरा ये घर नहीं है, तेरा ये मुकाम मंडल लोक नहीं है, तू तो फंस गई है, अब जरा निकल और ऊपर गगन मंडल की तमाम यानी लोक मंडल मुकामों को क्रॉस करके जहां पर तेरा घर वहां के लिए चल। क्यों जले भरम की भाटी, क्योंकि भूल भरम की भट्टी में क्यों जल रही है, क्यों यहां भूल भरम की भट्टी में जल रही है, चल अपने घर की तरफ मुखातिर हो जा। आगे क्या कह रहे हैं, क्यों चले काल की भाटी, 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 खोल कपट की टाटी, खोल कपट की टाटी, तू खोल कपट की टाटी, तू खोल कपल की टाटी। समझा कि क्या कह रहे हैं, अरे क्यों यहाँ काल की यानी काल के देश में, काल के मंडल मुकाम में क्यों फंसी पड़ी है, चल अपने घर की तरफ और खोल जो कपट की टाटी लगा रखी, जो कपट की टाटी लगाई उसे खोल और निकल कर चल अपने अपने घर की तरफ चल। तब ये समझ में आया कि जीवात्मा का घर ये नहीं है और मन का भी ये घर नहीं है। मन का घर है त्रिकुटी धाम और जीवात्मा का असली घर है सतलोक। कहा तू दोनों मुसाफिर हो, दोनों यहां फंस गए हो, दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और वादा खिलाफी तो जीवात्मा का मन तो कर सकता, लेकिन जीवात्मा नहीं कर सकती, और वादा जीवात्मा ने किया है कि चलो हम तुम दोनों चलेंगे, नीचे के लोक मंडल मुकाम को देखकर वापस चले जाएंगे, बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। बस इतना ही वो बंधन में फंसी बेचारी पड़ गई। ये है संग दोष। जब जीवात्मा पर संग दोष लग गया, जो अजर हमारा विनाशी है, तो तुम कैसे बच सकते हो। तुमको अपने संग साथ की महिमा गौरव गरिमा को समझना चाहिए, किनके साथ बैठे, किनके साथ रहे, किनको छुए, किनको देगे, किनकी कमाई का खाएं, ये जानकारी अगर कर लो तो आसान हो जाएगा। यही तो भूल भरम के पर्दे हैं जिनको हटाना है, यही कपट की टाटी जिसको हटा करके हमको अपने घर की तरफ चलना है।
आगे क्या कह रहे महापुरुष, तुझे पड़ी विष रस चाटी, तुझे पड़ी विष रस रासी, तुझे पड़ी विष रस चाटी, पड़ी विष रस चाटी, तू रल एक दिन माटी, तू रल एक दिन माटी, तू मिले एक दिन माटी, तू मिले क्या कह रहे, तुझको विषय विषयों की रस की चाट लग गई है, आदत पड़ गई है, तो कह रहे तुझे पड़ी विषय रस चाटे। यदि उसने विषय रस का भोग नहीं किया लेकिन उसके साथी ने किया और उसी का उसने साथ किया, तो साथ के कारण संग दोष लग गया। कह रहे तुझो तुझे तुझने जिसको साथी बनाया उसे तो विषयों की भोगों की चाट लग गई है। और कहते कि चल खोल कपट की टाटी, चल यहां से उधर चल और उधर मतलब यानी अगर नहीं चलेगी तो यहां तो ये मिट्टी में मिलने वाले शरीर है, ये हमेशा आते रहेंगे, मिट्टी में मिलते रहेंगे, पैदा होते रहे मिट्टी में मिलते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि सौदा कर सतगुर हाटी, सौदा कर सतगुर हाटी, सौदा कर सतगुर हाटी, चल खोलो घट की टाटी, 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 चल सूरत गगन की घाटी, सूरत गगन की घाटी, क्यों जले भरम की भाटी, क्यों जले भरम की भाटी। ये आत्मानी बाजार ये सदगुरु की बाजार में मिलेगा, ये काल की बाजार में नहीं मिलेगा, ये सौदा सदगुरु की बाजार में मिलेगा। चल खोल और ये टाटी जो घट में भूल भरम की टाटी लगी पर्दा पड़ा इसे खोल, अपने घर की तरफ चल, तेरा घर उधर इधर नहीं है, इधर तो काल माया का है और उधर तेरा शत्रु है, तू अपने घर की तरफ चल। अब क्या करें, अब बांध सूरत संग ठाठी, बांध सूरत संग ठाठी, अब बांध सूरत संग ठाठी, अब बांध सूरत संग ठाठी, तब छूटे कर्म की बाटी, तब छूटे कर्म की बाटी, तब छूटे कर्म की टाटी, तब छूटे कर्म की टाटी। वो कैसे समझा के करे, कितनी सरल भाषा में कि बिना पढ़ा भी पढ़ सकता है, उधर पढ़ाओ की कोई जरूरत नहीं, लिखाई पढ़ाओ तो तुम्हारी यहीं पर रह जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि उधर पढ़ने लिखने का काम नहीं, क्योंकि उधर ये अक्षर विद्या नहीं है, जो तुम अक्षर विद्या यहां पढ़ते हो ये यहीं तक है, उधर तो सत्य है, वो शब्द का ज्ञान है, अक्षर ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसीलिए कहा अक्षर अक्षर निहचर के पार, वो अक्षरातीत है, वो अक्षर का कोई काम नहीं, क्योंकि अक्षर मिट सकता और शब्द मिटता नहीं है, यही तो पहचान है कि अक्षर मिट जाएगा शब्द मिट जाएगी, अक्षर मिट जाएगा यानी शरीर मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा शरीर के लिए जो सामान ये भी छूट जाएंगे, इसलिए अक्षर ज्ञान यहीं पर छूट जाएगा, तुमको इधर से उधर ले नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने कहा पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल बड़ा सरल है, सभी कर सकते हैं, पढ़ना लिखना तो बहुत सरल है, बता दो सिखा दो करने लगेगा, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल, काम को मारना और मन को बस भी करना ये अक्षर विद्या के द्वारा नहीं होगा,
ये संसारी कोई भी सामान के द्वारा नहीं होगा, कोई रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद के द्वारा नहीं होगा, वो संत महापुरुषों के सत्ज्ञान से होगा। देखो कितना समझा के कह रहे हैं, जब इस चीज को जान जाओगे तो फिर देर नहीं लगेगी। क्या कह रहे हैं कि फिर खोलो चढ़ कर साटी, खोलो चढ़ कर साटी, फिर खोलो चढ़ कर साटी, फिर खोलो चढ़ कर साटी, बिने मन नभ चढ़ जा खोल कपाटी, नभ चढ़ जा खोल कपाटी, नभ चढ़ जा खोल कपाटी। अब कहते हैं कि जब जीवात्मा जगेगी, जग करके अपने देश काल की तरफ यानी मुखातिर हो जाएगी, तब कहते हैं कि फिर खोलो चढ़ कर साटी। जो ये तमाम पर्दे पड़े हैं, तमाम मंडल बीच में है, इन सब को क्रॉस करके तुमको अपने मंडल पर रुकना है, वहीं पर वो तुम्हारा सच्चा घर है। कहते कि नभ चढ़ जा खोल कपाटी, ये नभ माने आकाश मंडल, इन सब को क्रॉस करके पार करके तुझे अपने घर पहुंचना है, और इन सब को यानी खोल करके समझना है। जब समझ लोगे तब आप किसी में फंसोगे नहीं। ये भी जान जाओगे ये हमारा घर नहीं है, ये तो बीच में रास्ते पड़ेंगे, मुकाम मंडल सुनने पड़ेंगी, इन सब को क्रॉस करके हमारा श्रीघर सतलोक सचखंड अनामी धाम है, हमें वहां रुकना है। आगे क्या कह रहे हैं कि घट देखो चौक सपाटी, घट देखो चौक सपाटी, देखो चौक सपाटी, जग छुटा हुई अब ढाटी, जग छुटा हुई। कैसे? जग से छुटकारा, संसार से छुटकारा, बंधनों से मुक्त है, मुक्ति का कब मिलेगी? जब ऊपर चौक पे, जो ऊपर चलोगे वहां पर बिल्कुल साफ सुथरे मंडल है, लोक है, मुकाम है, उन सब क्रॉस करके जो तेरा असली देश यानी जीवात्मा का जो असली घर मुकाम मंडल सतलोक है, बहुत पाक साफ निर्मल पवित्र है, ऐसी पवित्रता, ऐसी सुंदरता और ऐसा प्रकाश किसी रूप में नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखो कि मन माना छोड़ो सपाटी, मन मारा छोड़ो सपाटी, मत माना छोड़ो घाटी, मत माना छोड़ो घाटी, मैं सारा काल फसाटी, सारा काल फसाटी। देखो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो सुनने में बड़े अलग अक्षर अटपटे लगते, क्यों? संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो, क्योंकि यहाँ का अक्षर ज्ञान तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल भिन्न अलग दिखाई देता है, बड़ा अटपटा सा महसूस होता है। लेकिन जब चलने लगोगे तो ये जो अटपटा है यही तुम्हारे रास्ते को साफ करता, तुम्हें आगे बढ़ाता चलेगा। आगे क्या कह रहे कि घट चलो, कितना साफ खोल के कह रहे, देखिए इसी को हमें आपको समझना है कि घट चलो ज्योत की लाठी, घट चलो ज्योत की लाठी, घट चलो ज्योत की लाठी, मैं सतगुरु दर की माटी, मैं सतगुरु दर की बाटी, मैं सतगुरु दर की भाटी, मैं सतगुरु दर की भाटी, चढ़ सूरत गगन की घाटी, चढ़ सूरत गगन की बाटी,
काटी, क्यों चले भरम की भाटी, क्यों चले भरम की भाटी। समझा के कह रहे हैं सूरज की बात पर, तू चल अपने घर की तरफ चल, यहाँ काल की भट्टी में क्यों जल रही है, ये कर्मों की भट्टी लगाई है उसमें, ऐसे कर्मों की भट्टी में सबको जला रहा है, जरा इसको छोड़ और अपने घर की तरफ चल। तेरा कितना साफ सुथरा सुंदर देश है, जहां अंधकार का नामो निशान नहीं है, गंदगी का इच्छा मत दिखाई नहीं देती है, ऐसे सुंदर देश की तू रहने वाली है। अरे तुमने ऐसे को साथी बना लिया, उसके संग दोष के कारण तू यहाँ भटक भटक रही है, यहाँ पड़ी है। चल देखो, जो काल माया ने जीवात्मा को फंसा लिया, जो अजर अमर अविनाशी चेतन है, तो फिर कौन बचेगा? यहाँ पर कोई चीज नहीं बच सकती जो उसके अधीन न हो, और पराधीन रहकर हम सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए काल की दास्ता और गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन काल की दास्ता गुलामी से किसने मुक्त कराया? कौन स्वतः मुक्त हुआ है उसी की तू तलाश करनी है। तभी कहा कि सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। कहा उस सतगुरु, उस समृद्ध मालिक की खोज करो जिसने इन सब को पाया है, इन सब को जाना है, इन सब से अलग थलग खड़ा है, वो मिल जाएगा, हमें आपको इन सब से छुटकारा दिला देगा और हमें सच्चे घर मंदिर मुकाम को पहुंचा देगा। ऐसे सतगुरु की खोज करो, सतगुरु खोजो रे प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न है। ऐ जीवात्मा सुरत रो, तू ऐसे सच्चे समृद्ध सतगुरु की तलाश कर जिन्होंने सारे लोक मंडल मुकाम को देखा और जाना है, और आना और जाना जिनका रोज का काम है वो मिल जाएंगे, तो हमारा आपका काम भी सरल कर देंगे। फिर हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल करने कराने वाले को पकड़ लेना है। जब अवसर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, और मिलने पर भी लोग नहीं पहचान पाए, सब बोल भरम में रहे, किसी को पहचान नहीं हो पाई जिसने अपनी पहचान में 60 वर्ष खर्च किए। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा से जानकारी प्रारंभ हुई, और सारे देश में घूम घूम कर सबको जानकारी दी गई, लेकिन कितने जानकार बन पाए, किसने वो जानकारी ली और जानकार बनकर कौन अपना काम बना पाया, कहा वो तो कोई बिरला ही है। कोई बिरला जो सदगुरु पर आत्मसमर्पित भाव से रह रहा है, उनके सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न मानता है, न किसी को अपने अंदर जगह देता है, ऐसा निश्चल भक्त उस समृद्धदाता को पहचान लेता है, उसी का काम हो जाता है। कभी कहा था बच्चा, मेरे इस आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल कर रखने वाले को 200-400 होंगे, और संभाल कर निरंतर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले वाला कोई बिरला ही होगा। देखो कितनी बड़ी संख्या और कितनी रह गई, पाने तक कितनी रह जाती है, इसलिए कितने और चले गए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो जीवों का अपना स्वभाव है, आए चले गए आए चले गए, लेकिन ठहरने वाले कितने, और ठहर करके अपना काम बनाने वाले कितने। अगर ये विचार आप करते रहो तो तुम किसी में फंस नहीं सकते, तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता, कोई अपने लोभ लालच में झूठे कपट में आपको फंसा नहीं सकता। लेकिन जहां बचो को भूल जाओगे वही भूल जाओगे, तुम्हें वचन ही फंसाने से बचाएगा, इसीलिए संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने बच्चों को ही जारी किया और कुछ नहीं किया, सर्वप्रथम सत्संग सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, ये सब था। तो सत्संग तो बहुत जरूरी है, अब तुम्हारी समझ में कब आएगा? धीरे 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 ये वचन तुम्हारे कान में जाते रहेंगे,
भले तुम न समझो न स्वीकार करो, लेकिन वचन जब कान में जाएगा तो अनुकानों की गंदगी को साफ करेगा, उसका काम है। तो बच्चों का काम है, आपको सब तरफ से बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे और पाक सा निर्मल पवित्र करके घर पहुंचाएंगे। वो अपना काम बंद नहीं करेंगे। अब उनके काम को कितने लोग समझ पा रहे, कितने उस पर चल पा रहे, कितने स्वीकार करके मजबूती से दृढ़ता से रह पा रहे, यही सब चीज समझने की चीज है। और यही समझने की आपको ये मौका दिया गया कि अपनों को समझो और अपने सामने वाले को समझो, जिसको देख रहे हो, जिनको पकड़े उनको भी समझो कि वो तुम्हारे काम में सहयोग कर रहा है कि अपनी तरफ तुम्हें खींच रहा है। अगर ये सब भूल जाओगे तो व्यवस्था फिर बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बिगड़ने का कारण ना समझी है, और ना समझी का दूसरा नाम अज्ञानता है। जहां अज्ञानता होगी वहां शून्य हो जाएगा, कोई अंधकार है वही भूल भ्रम खड़ा हो जाएगा और तुम्हें सच्चाई से बहुत दूर उठा के फेंक देगा। इसलिए जब जब मौका मिल जाए सत्संग में आने का, तो ये समझ लो हमारा कोई पुण्य कर्म जगा है जो हमको सत्संग में ले आया। आप नहीं आए, आपका पुण्य कर्म तुमको पकड़ के ले आया है, क्योंकि पुण्य कर्म का काम ही है पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पुनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा का मिलन नहीं होता है, और जब संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो जीवात्मा को परमात्मा से कौन मिला सकता है। यही बात आपको समझनी थी। इसी बात को समझाने के लिए कितना समय दिया गया, इतना समय मित्र मंडल में किसी ने नहीं दिया जितना समय समृद्धाता दयालु ने दिया। और ऐसे नहीं, समझौती के साथ, बड़ी सरल भाषा में, बड़े बड़े ही सरल शब्दों में आपको समझाया गया, क्योंकि उधर कोई शब्दों की तोड़ मरोड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। यहां तो लोग शब्दों में तोड़ मरोड़ कर देते हैं, अपने अनुसार समझाने बताने लगते हैं जिनमें उनका स्वार्थ हल हो, लेकिन वो प्योर परमार्थ के शब्द हैं, उधर कोई मिलोनी रचना नहीं है। अब हमें आपको समझना है कि हमें अपने घर जाना है कि काल की नगरी में और रहना है। जब तक ये निश्चय नहीं करोगे तब तक चलने की तैयारी कैसे करो। या तो रोके आपने देख लिया, करके भी देख लिया, कितना समय निकल गया, जन्म और मरण के सिवा हाथ कुछ नहीं लगा। पैदा हो गए फिर मर गए, भी पैदा हो गए फिर मर गए, यह उसका खेल है, इसी खेल में सबको खिला रहा है। पैदा करता फिर मार देता, फिर पैदा करता फिर मार देता, फिर पैदा करता फिर मार देता, यही अपने देश चलाने की उसकी नीति रीति है, इसी से तो चला रहा। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने ये सब खत्म किया कि देखो जो तुम चल रहे हो कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, जहां चल रहे हो ये तुम्हारा रास्ता भी नहीं, चलते रहोगे मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक मंजिल का ज्ञान कराने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमें आपको अपनी मंजिल का भी ज्ञान नहीं होगा। चल तो तुम रात दिन आप चल रहे हो, किधर चल रहे हो, रात दिन कर रहे हो किधर कर रहे हो, रात दिन जा रहे हो तो किधर जा रहे हो। अगर मंजिल की तरफ जाते होते तब तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है हमारा चलना भी गलत दिशा की तरफ है, हमारा चलना हमारे घर की तरफ नहीं है, हमारा करना हमारा सच्चा कर्म यहां से छुटकारा कराने वाला नहीं है। तो जब ये तो जानकारी सत्संग के बिना तो हो ही नहीं सकते। अब वो धीरे 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 आपको पकड़ाया जा रहा है बच्चों को कि पकड़ के खड़े हो जाओ मजबूती के साथ विश्वास के साथ। जब बच्चों को पकड़ लोगे तो तुम्हारा काम बहुत सरल हो जाएगा, और यहां इस काल की जितनी भी रहनी गिनी है इससे आप बच सकते हो। लेकिन बच्चों के चित्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप बच सको। जब बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं बच पाए, बेचारे वो भी फंस के रह गए, और काल ने उनको इतना मारा और इतना घसीटा पीटा
कि मतलब यदि तो फिर हम सब कद्दू के जी बेचारे कैसे बचेंगे। अब हमें आपको अपने बारे में सोचना है। पुरानी कहानी किससे पढ़ के तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता, तुमको समय की सुधार नीति चाहिए। समय को का जानकार जितने समय को जाना है और समय से जीवों को सुधारना जाना है, जब वो मिल जाएंगे तब हमारा सुधार संभव है। अपने से तो कोई सुधार कर ही नहीं सकता। तुम कितनी किताबें पढ़ डालो, कितने ग्रंथ लिख डालो, को कुछ भी कर डालो, लेकिन आप समझदारी, जो असली समझदारी है अपने घर जाने की, वो पैदा नहीं हो सकती। उसके लिए तो आपको सत्संगों में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी बेचारा जीव समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आवाज तो सबके कान में डाली जा रही है, ताकि समय पर ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं था, हमको किसी ने जानकारी दी नहीं थी, कोई जानकारी आया नहीं और जानकारी दी नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो। इसलिए कितनी मेहनत की गई, कितना परिश्रम किया गया जीवों के साथ। संत महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं जीवों के साथ, लेकिन जीव बेचारा अज्ञानी है, वो समझ नहीं पाता है कि हमारे लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। जब अपना और पराया नहीं समझ पाओगे तो फिर पकड़ोगे क्या आप, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, ये भी समझदारी सत्संग के द्वारा ही होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु ये भी बहुत बहुत जरूरी है। खड़े होने का मकसद अर्थ क्या, क्यों बताया जा रहा खड़े हो जाओ, रोज कहा जाता खड़े तो रोज होते, बैठते बैठते सब काम करते हो, लेकिन किस काम के लिए खड़ा होना और किस काम को करने के लिए बैठना है, अगर इतनी भी जानकारी हो जाए तो खड़े और बैठने की स्थिति को आप समझ सकते हो। सदगुरुदेव के वचनों को पकड़ कर खड़े हो जाओ, अपनी मंजिल को तय करो, चल पड़ो और बैठो तो साधना के लिए बैठो। मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए आपको बैठना है, साथ में मन को बैठाना है। शरीर बैठ गया लेकिन मन नहीं बैठता है। आप इतनी देर यहां बैठे हो लेकिन ये अनुमान लगाओ तुम्हारा मन कितनी देर बैठा, वो तो बाहर निकल गया, तो आप बैठे ही कहां। शरीर की बैठक नहीं मानी जाती, मन की बैठक। शरीर तो बैठा लो, चाहे खड़ा कर लो, चाहे लेट जाओ, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है, किसी तरह आप इसको मोड़िए। लेकिन मोह है मन, जो मन को समझ ले को, जो मैंने प्रचार प्रसार आरंभ किया था वो तारीख आज 6 नवंबर प्रचार प्रसार अभियान दिवस मैं उसको मनाता हूँ, मैं जा रहा था वही मनाता हूँ। मनाने का मतलब जानकारी से है, और उसके मनाने का कोई अर्थ नहीं होता है, जानकारी। अब ये जानकारी क्यों दी गई जीवों को, जीवों के कान तक आवाज क्यों पहुंचाई गई, जो मैंने शुरुआत किया था वो 6 नवंबर। तो ये तो लोगों को इस तारीख का ये जानकारी से कराई जाती है। अब आप हिसाब लगाओ कितना समय निकल गया तुमको समझाने में, तुम्हारे कान तक सच्ची आवाज पहुंचाने में, तुमको सही दिशा का ज्ञान कराने में कितना समय दिया गया। तो जब ये तिथियां इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। अब ये तो काम करता है तो वो जानता है, वही उसको मनाता है। बाकी मैंने पूरे देश में मनाने का कोई आह्वान नहीं किया है, मैं जा रहता हूं वहां इसको मनाता हूं। मनाने का मतलब है इसकी जानकारी देता हूं कि इतना समय निकल गया,
आपके कानों तक आवाज पहुंचाते पहुंचाते, और आप कितना जाग पाए हो, कितना खड़े हो पाए हो, कितने चलने की तैयारी में तैयार हो पाए हो, ये तो आपको विचार करना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में पूछा भी, ये त्योहार त्योहार नहीं है, तो त्योहार है लेकिन आज नहीं समझोगे, ये प्रचार प्रसार क्यों कराया गया? अगर यहां पहले से जानकारी होती तो जानकारी क्यों देते, क्या जरूरत है? लेकिन जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसकी जानकारी दी गई है। वो 6 नवंबर है, प्रचार प्रसार अभियान दिवस के रूप में मैं उसको मनाता हूँ, जहां रहता हूं वही मनाता हूं। और आपको भी उसकी जानकारी मिल जाए, तो जानकारी देते देते कितना समय निकल गया है। जब लोगों की समझ में नहीं आया तो मैंने इसको विराम दे दिया, केवल ये बता दिया भाई 6 नवंबर उसको याद रखिए तारीख है, और प्रचार प्रसार अभियान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और लोगों के कान तक आवाज पहुंचाई जाती है, आप सब मिलकर इस आवाज को आगे बढ़ाओ, मतलब मनाने का ये है। जब ये आवाज आगे बढ़ती जाएगी, लोगों के कान तक पहुंचती जाएगी, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी चेतना आएगी, वो भी चेतेंगे जागेंगे। ऐसा नहीं है, अभी है, जितनी ज्यादा गंदगी है उतना ज्यादा समय लग रहा है। अगर पाक साहब जी मिले होते तो अभी तब तक सचिव आ गया होता, लेकिन बात तो उसकी है, कोई ऐसा नहीं मिला जिसके सिर पर सेहरा बांध दिया जाए सचिव का, उसी की तो पहचान की जा रही भी कौन ऐसा है जिस पर सचिव का सेहरा बांधा जाए, और सचिव की पूरी यानी कथनी करनी उस पर लागू की जाए, उसी की तो तैयारी हो रही है। एक तरह से नहीं, तमाम तरह से तैयारी की जा रही है, एक तीर से हजारों निशाने होंगे। अब ये बात इतनी जल्दी समझना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप कामों को देख रहे हो तो तुम्हारी समझ में सब आने लगा। नैमिषारण की भूमि पर जो हो रहा ये किसी के दिल दिमाग में नहीं था, यहां कुछ होगा, इस भूमि की जानकारी नहीं किसी की थी। 88,000 ऋषियों ने इतनी मेहनत परिश्रम करके और त्याग करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, तो इस भूमि की पवित्रता का लाभ किसको मिलेगा? कब मिलेगा? क्या उनकी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी? क्या उनका समय बेकार चला जाएगा? ऐसा नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो गृह संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने इसका पूरा परिचय दे दिया है कि तीर्थ पर नैमिष विख्यात था, अति पुनीत साधक सुखदाता, बड़ा साफ साफ शब्द में लिख दिया, ये तीर्थ तीर्थों का तीर्थ है नैमिषारण्य, और ये पावन पुनीत है। लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक या नाम की साधना करेंगे, साधकों को सुख देने वाला है, पुजारी पुजारियों को सीधे शारीरिक कोई क्रिया कोई साधना करने वालों के लिए नहीं लिखा है, साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला साधक, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो साकारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसी को साधक कहते, ऐसा साधक मिल जाएगा तुम्हारे मन की कच्चाई को निकाल देगा। इसीलिए संग साथ अच्छे लोगों का करो, जो परमार्थी रास्ते पर चल रहे हो, परमार्थी सेवा में लगे हो, तो तुमको लगा लेंगे, तुम्हारा भी काम यानी काम में सहयोग कर देंगे। जब तक तुम कोई साथी ऐसा नहीं चुनोगे तब तक कुछ नहीं होगा, अकेले जो नहीं कुछ कर पाया उसको तो सहयोग चाहिए। अब तुम्हारा सहयोग कैसे लोगों से है, तुम्हारी मित्रता दोस्ती कैसे लोगों से है, बस वैसी आदत प्रवृत्ति तुम्हारी बन जाएगी, फिर तुम अपना जीवन में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए संग साथ बहुत सोच समझ के करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जय से बोलो।
शामिल भोले बोलना होगा, तभी से बोले दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देखो ये नाम कैसा अनोखा परिचय दे रहा है। ऐसा परिचय अपने बुरे युग में जो नाम काम के लिए उन्होंने ऐसा परिचय नहीं दिया, इतना वादा नहीं किया है। तो हमें आपको अपने समय की जगह जय गुरुदेव नाम के बारे में समझना चाहिए। ये सम्राटदाता दयालु ने क्यों नाम जगाया है, इसकी आवश्यकता जरूरत जीवों के लिए क्या है और आगे क्या पड़ेगी, जब ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। इसीलिए ये मंत्र की तरह आपको रटाया जाता है, रोज याद दिलाया जाता है ये नाम क्या क्या करेगा, जो इस पृथ्वी मंडल पर कोई नहीं कर सका। जितने नाम आए कोई नाम ये काम नहीं कर पाए हैं जो ये देवगुरुदेव प्रभु का नाम ये सब करके दिखाएगा। तो हमें आपको ऐसे नाम का साथ करना चाहिए, ऐसे नाम का अभ्यास करना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते काम करते नाम को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो इंद्रियों शरीर से करते हो, जवान कोई काम नहीं करती, तो सबसे अच्छा खाती है, सबसे अच्छा स्वाद पहले लेती, बाद में अंदर जाता है, जो इतना अच्छा स्वाद दे रही है उसको भी काम में लगाओ, उसको भी शुद्ध कर लो, तो केवल नाम के उच्चारण से शुद्ध होगी और किसी से नहीं होगी। तभी कहा काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, कितनी सरल पूजा, इतनी सरल पूजा किसी युग में किसी ने रखी नहीं है, और ऐसी पूजा का लाभ भी किसी ने नहीं बताया, इतना बड़ा लाभ है उसके लिए। आपको कोई तैयारी नहीं करनी, बाहर का कोई सामान इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि जीवात्मा अंदर में है, पूजा अंदर की करनी, अंदर में कोई सामान जाएगा नहीं। तो बात तो आपको समझनी है, कितना सरल करके ये रास्ता बता दिया कि कुछ न करो तो जय गुरुदेव नाम लो। लोग अजवा जाप करते थे, अजवा जाप लिखा जरूर है लेकिन अभी तक उसका अर्थ नहीं समझ पाए। अजवा जाप मैंने बिना जपे बिना बोले जाप शुरू हो जाए, वो जाप कौन सा है? कहा जब तुम्हारा ये नाम तुम्हारे श्वास पर अंकित हो जाएगा, क्योंकि श्वास भी ऐसे चलती जैसे तुम माला घुमाते हो वैसे ये श्वास चलती, बिल्कुल इसी तरीका वही है। जब ये श्वास आती है और जाती है, अगर श्वास पर नाम अंकित हो जाए तो माला उठाने की जरूरत नहीं पड़े, फिर ये माला खत्म हो जाएगी। ये तो माला केवल अभ्यास के लिए है, जैसे अभ्यास पूरा हो गया और नाम श्वास पर अंकित हो गया तो इस माला की कोई जरूरत है, आग कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो तो इसलिए हम बंद करते हैं, इन्हीं आंखों से देखा है, वही बार बार मन यानी फिगरे फोटो सामने लाके खड़ा करता है, और जो जो सुना है उसी को सुना रहा है। लिया जा आप जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें इस आंख कान की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको बंद करता, इनको बंद कर दीजिए, ये काम आपका आंख कान का इधर पूरा हो गया, कुछ नहीं मिला, कितने को देखा कितने को बसाया लेकिन आंख में कुछ नहीं रहा, कोई बसा नहीं है, कोई लाभ नहीं दे रहा। कानों से अच्छा बुरा कितना सुना आपने, वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा। तो कहा जब देख लिया सुन लिया अभी नाक कान को बंद करूंगा, अब उस आंख कान को खोलूंगा जिसके द्वारा सच्चाई दिखाई देगी और सच्चे शब्द की यानी सुनाई देगा। बात तो समझने की है, रमन लोग केवल इधर से उधर आपको जाना, कुछ नहीं करना, इधर बंद करना उधर खोलना, क्योंकि इधर जो खोला उसको देख लिया कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला समय खराब होता रहा, यानी वक्त जाया चला गया मिला हमको कुछ नहीं। लेकिन अब जरा उधर की तरफ जहां मिलना है, जहां सुनने का काम हमारे लाभ का है, देखने का काम हमारे लाभ का है, अब हम अपने लाभ की तरफ जाएंगे, हानि की तरफ नहीं रहेंगे।
इतना भी संकल्प अगर जीव कर ले तब भी आप काम की शुरुआत कर दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आज का दिन ये जो प्रचार प्रसार अभियान दिवस के नाम से शुरुआत की गई है, तो बाहर के जाने के लिए कोई वो नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा प्रचार प्रसार तो नहीं रहा। को तो बराबर मैं कभी अंदर नहीं करता, ये तारीख तो आज निश्चित है लेकिन मैंने कभी बंद नहीं किया। जब से शुरुआत की है बराबर कोई शारीरिक आपदा आगे शरीर है, थोड़ा सा आराम चाहता है, तो थोड़ा कमजोर हो गया तो आपको विराम दे दिया, लेकिन ये निरंतर जारी रहता है, कभी बंद नहीं किया मैंने। प्रचार प्रसार अभियान दिवस जब नाम दिया है उसका काम जब ही बंद होगा जब काम पूरा हो जाएगा, तब तक ये बंद होने वाली बात नहीं है, ये हमेशा दिल्ली मात में रखिए आप। ये बंद जब ही होगा जब इसका संकल्प पूरा हो जाएगा, जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान ये रुक नहीं सकता, ये बराबर जारी है, बराबर चल रहा है। आपने ये भी अनुभव किया, सारा देश अनुभव कर रहा है कि सबके मुंह बंद हो गए, लेकिन ये अभियान प्रचार दिवस आज भी जारी है, ये बंद नहीं हुआ। लोग इस पर विचार करते हैं, गहराई के साथ सोच रहे आखिरकार बात क्या है, कि सब जगह लोगों के अंदर डर भय पैदा हो गया, एक बीमारी का नाम ले लिया और उस बीमारी को देखा भी नहीं, डर बिना देखे भूत भूत दिखाई नहीं देता, लोग डरते हैं। ऐसे ही एक गुमनाम भूत है कोरोना, न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा न एहसास हो रहा, लेकिन डर घुस गया, मारे डर के बेचारे अब चार लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। पर हमारी सामाजिक कार्यों में भी डर घुस गया, जहां संगठन की बात थी सब विघटन हो गया। अब 10 आदमी 15 आदमी मिलजुल कर बैठते थे, पारिवारिक व्यवस्था संगठन की दिखाई देती थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन निरंतर की तब भूमि पर बराबर हो रहा। यही बात तो लोगों को चकित करने वाली है, सब इस पर विचार कर रहे हैं आखिर बात क्या है। वहां लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है, वहां लोग निडर और निर्भय क्यों है, क्योंकि उन्होंने नाम का रास्ता पकड़ा है। नाम के रास्ते में कोई डर भय होता ही नहीं, नाम बाकी सब डर को खत्म कर देता है। सब एहसास कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इस संदेश को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, क्योंकि और तो कहीं हो नहीं रहा, और जो थोड़ा बहुत है वो निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हैं, वो गंदगी उठाने में अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन असलियत और हकीकत क्या है वो तो यहीं से बयान हो रही है और सभी लोग सुन रहे हैं। और ये देखो सीधा प्रसारण उधर भेजते हैं, यही तो प्रचार प्रसार अभियान दिवस है, ये प्रचारित हो रहा है, ये जो भेज रहे हो ये प्रचार से ही जुड़े हो और किसी से नहीं, उसी अभियान से आप जुड़े हो जिस अभियान का नाम दिया गया, तो बराबर काम हो रहा है, रुका नहीं है। अब इस काम को समझने वाले होने चाहिए, निंदा आलोचना बुराई ये थोड़ी समझ सकते, ये तो हजारों को दूर खड़े, इनको क्या दिखाई देगा, न सुनाई न दिखाई न कुछ नहीं, लेकिन ये संदेश जा रहा है और सब इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह संदेश निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, निस्वार्थ है, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, ये सबके हित का और सबके लाभ का, और वो लाभ परमार्थी लाभ का, इसलिए ऐसे संदेश को कभी विराम नहीं दिया जाता, नहीं तो सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी। कहा था अगर संत महापुरुषों के वाणी का प्रचार प्रसार वायुमंडल में अगर बंद हो जाएगा तो कुदरत बहुत नाराज हो जाएगी, फिर वैसा फैसला ले लेगी कि कुछ बचेगा, इसलिए इस वाणी वचनों का प्रचार होना अति आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि को कुछ रखना भी सब थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब ये बात है उन्हीं बीच में हम आप रह रहे, जो कुछ होगा तभी कहा जा रहे भाई दुनिया के लोग अगर चलेंगे तो आज तुमको भी लगेगी, क्योंकि तुम्हारा गुरुदेव अलग नहीं बसा है, तुम उन्हीं के बीच में रह रहे हो, उन्हीं के बीच में काम कर रहे हो, तुमको बचाना और उनको सबक देना है, इसी देरी है, देरी इस बात की है। अगर सब लोग समझ जाए, सब जाग जाए, खड़े हो जाए, देरी किस बात की,
परिवर्तन तो तुम्हारे में ही समाया हुआ, लेकिन उस परिवर्तन की लहर तुम अपने आप में जो उठ रही है उसी को नहीं देख पा रहे हो, उसी को नहीं समझ पा रहे हो। कहीं से किसी देश से पकड़ के परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तुम्हारे अंदर से निकाला जाएगा। और तुम ही कहोगे कि हाँ ठीक, जब तुम परिवर्तित हो जाओगे तुम्हारी आत्म स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा तो वो तो परिवर्तन ही तो होगा। शुरुआत तो यही है, लेकिन धीरे धीरे यह समझ पैदा होगी, इसीलिए सत्संग बराबर जारी रहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। तो ये प्रचार प्रसार अभियान दिवस है, तो भंडारे में कोई अच्छा सा भोजन बना लो और प्रेमियों को खिला दो, अच्छा रहेगा। थोड़ा पक्का भोजन बना लीजिए आप और भीतर कर दो, और आपको ये काम करना है कि सेवा में लग जाना, बैठना नहीं है। अभियान दिवस यही इस बात का है, ये जो आप सेवा कर रहे हैं ये प्रचार प्रसार अभियान दिवस ये तो संबंधित है, ये सेवा भी आप लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब तरफ से काम हो रहा, सब देख रहे हैं कि नैमिषारण्य की तब भूमि पर ये क्या हो रहा, वहीं पर ये परमार्थी सेवा क्यों प्रारंभ की गई है। क्या दुनिया में और कोई जगह नहीं थी? हाँ नहीं थी, होती तो वहां जरूर होता। बात तो यही है, परिचय तो इसी बात का हो रहा है। तो आप ये सेवा करिए, उधर उधर भंडारों में पक्का भोजन तैयार कर दीजिए और प्रेमियों को खिला दीजिए। लेकिन ये प्रचार प्रसार अभियान दिवस बराबर जारी है, बंद नहीं हुआ, और आप भी वही काम कर रहे हो जो संदेशा भेज रहे हो, तो प्रचार प्रसार तो क्या है। जो तुम सेवा कर रहे हो ये भी जिगर सब जगह फैल रहा है, ये भी प्रचार प्रसार संबंधित। तुम्हारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्रचार प्रसार अभियान दिवस से संबंधित न हो। बात आपको समझ में आनी चाहिए। जय गुरुदेव, अब आप चलिए सेवा, और निर्माण कार्य हो रहा उधर, उसको जल्दी से पूरा करना है, क्योंकि उद्घाटन की तारीख निश्चित हो गई, वो 14 नवंबर को, यानी मतलब दीपावली के पावन पर्व पर इस सद्गुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन है। कोई इसका आचार प्रचार नहीं किया गया, कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं है, वो तो बनेगा, उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अभी है प्रेमी उस बात को समझ रहे, भी देखें कैसा उद्घाटन होगा, चल के देखेंगे तो धीरे धीरे लोग आएंगे तो भीड़ हो जाती है, इसी आने जाने में तो भीड़ हो जाती है। तो ये सब जानकारी लोगों को मिल रही है, और जो नेपाल संगत ने संकल्प लिया है, जो कमान अच्छी होगी तो आप लोग कर दोगे उसको, उसका सबका समाहित होगा इसमें, सबका मतलब यानी हिस्सा लगेगा, शरीर की सेवा का, मन की सेवा का, धन की सेवा का, अन्न की सेवा का, एक तरह से नहीं सबकी सेवाओं का समावेश है इसमें। इस बात को आपको समझना है, और आप इस समय शामिल हो, रोजी कर रहे हो तो कुछ मिट्टी पड़ जाए थोड़ी उधर, जो आपका रोड भी नीचे है, जरा उसको देख लीजिए, जैसा आप उसको देखिए आप जाके कहां पर मिट्टी पड़नी है, कैसा है, क्योंकि आज तो सेवा होनी चाहिए, क्योंकि दिवस ही सेवा का है। बाहर तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन जो यहां करोगे ये बाहर पहुंचेगा और पहुंच रहा है, इसलिए तुम्हारा तो अभियान दिवस रोजी हो रहा। तो देख लेना कहां किधर मिट्टी की पड़नी है, थोड़ा सा उसको देख लेना, और ये काम जल्दी से पूरा हो जाए। जो इसमें सामान लगने वाला है राजमिस्त्री फौरन आप पहुंचिए, और जहां जिस जिले में जहां सामान मिलता है फौरन ले आइए उसको, अब देरी नहीं करने की जरूरत, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा, अब तो गिने चुने दिन है और उस तक आपको ये बनाना है, क्योंकि लोग आएंगे देखेंगे उसको,
इसका भी प्रभाव, कोई ना कोई धमाका यहां होता ही रहता है, और ऐसा धमाका है जो बुद्धि से परे लोगों को यही कहते पता नहीं क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। हमने कहा तुम देखते जाइए, सोचते जाइए और समझते जाइए, और धीरे धीरे जिस काम की तरफ इशारा है वो काम होगा। उसको काम को करने के लिए कोई रास्ता, कोई हेर फेर अदला बदली की जा सकती है समय अनुकूल, लेकिन काम वही होगा। केवल भजन कराना है, अब भजन कैसे करोगे, मन साथ दे नहीं रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, इतना कमजोर कर डाला आपने, तो कहा कि भाई ये सब कैसे होगा। तो उसी का कोई ना कोई सरलतम रूप खोजा जा रहा है कि और सरल कर दिया जाए। वैसे इससे सरल क्या है, आप मिट्टी ढो रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, नाम का जाप भी करते हो, तो काम तो आपका होगा। आपको समझना है केवल, करना नहीं, समझना। समझ लोगे तो अपने आप होता, वो अपने आप होता रहेगा। जब अभ्यास अंदर में श्वास पर नाम अंकित हो जाएगा तो आपको करने की जरूरत कहां तो होगा, क्योंकि श्वास आप बंद कर नहीं सकते। जिस दिन श्वास बंद होगी उसी दिन तुम्हारा अंतकाल हो जाएगा। जब अंतकाल श्वास के द्वारा है तो श्वास में जब नाम अंकित हो गया, जब तक शरीर का अंतकाल नहीं होगा आपका सुमरण चलता ही रहेगा। ये बात समझनी है आपको, केवल समझ लो जल्दी काम है। दूसरी बात, दो जिले में दो टोलियां, ये भी बहुत बड़ा आधार है काम का। अब दो टोली की बात अभी समझ नहीं पाए, कहते दो टोली में कैसे होगा, तुम पहले बात समझा करो। टोली तो एक ही आएगी, एक जाएगी, दो ही तो हुई, लेकिन उस टोली में हर ब्लॉक के लोग अपने अपने समय पर जुड़ते रहेंगे। पहली टोली आई तो एक ब्लॉक, दूसरी टोली में दूसरा ब्लॉक, तीसरी टोली तीसरा, टोली तो एक ही रहेगी, लेकिन जो आएगी जाएगी उनमें सारे देश के प्रेमी शामिल हो जाएंगे। वो कैसा रास्ता दूरदर्शी है, अपने आप तुम शून्य सब आ जाएगा। और तुम्हारी एक पहचान, तुम अभी छिपते हो, छिपते रहोगे तो काम नहीं होगा। कहा जब जन-जन की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तो जय गुरुदेव नाम कैसे आएगा, जब तुम झंडा डंडा लेके निकलोगे तो दुनिया चिल्लाएगी, सब कहने लगेंगे यही तो कराना है, इस नाम का जाप कराना है, ये नाम सबके मुख से निकले उसकी योजना भूमिका व्यवस्था बनानी है। तो टोली का मतलब एक नहीं है, कई है, बहुत अर्थ इसके। लेकिन आपसे कहा गया टोली, एक टोली में 11-10 प्रेमी, एक टोली नायक, जो समय समय पर यहां की जानकारी, आदेशों की, संदेशों की जानकारी देता रहेगा और लोगों को वहां संगठित करता रहेगा। सारे जिले में जगह जगह बैठकर आप थोड़ा सा 10-20-50 लोग तो बैठ ही सकते हो, बैठ करके जरा सुमिरन ध्यान भजन जारी कीजिए प्रार्थना पाठ के द्वारा, और जो ये संदेश दिया जा रहा इसको आप पढ़ के सुना दीजिए। कोई पुरानी पत्रिका जो इस काम से संबंधित हो उसको पढ़ के आप सुना सकते हैं, लेकिन कोई भाषण स्पीच प्रचार नहीं करेगा। ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इस बोझे को नहीं उठा सकते हो, इसलिए ऐसा काम मत करो जिसमें तुम्हें यहां सफलता ना मिले। तो इस तरह सब कर दीजिए, अभी पूरे देश में जारी हो जाए, पूरे देश में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी लोगों को, एक नई जागृति लोगों में आएगी, ऐसा नहीं है। और जब तुम निकलोगे झंडा डंडा के साथ तो एक बार सब देखेंगे आजादी का मतलब ही कहां समझते, ये सब बर्बादी को आजादी कर चिल्ला रहे, अपना अपना बर्बाद हो रहे, अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे और कहते आजादी आजादी चिल्ला रहे। तुम्हें क्या मालूम कि आजादी की परिभाषा क्या, छोरन गिनती पाए जब कोई तभी अजीव के तारत, जड़ चेतन की जो गांठ लग गई है इसको खोलना जो सीख जाएगा वो सच्ची स्वतंत्रता आजादी का लाभ उठाएगा, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ। तो इनको बच्चों को कुछ पता नहीं है कि आजादी का मतलब आजादी आजादी का है, और सब तरफ से बर्बाद है और हो रहे और होते रहेंगे, क्योंकि सच्ची आजादी तो संत महापुरुषों के चरणों में कहीं नहीं।
मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति ही संत सच्ची आजादी है। अगर मुक्त हो जाओ तो आजाद हो गए आप, और हमेशा के लिए आजाद, कि कभी यहां आना ना पड़े, कभी पैदा ना होना पड़े, कभी जन्म मर के चक्कर में रहना ना पड़े, इसको कहते सच्ची आजादी। वो आजादी कहां है? चोरण ग्रंथि पाए जब कोई कभी अजीव कृतार्थ, कृतार्थ माने आजाद स्वतंत्र, तब होगा। अब ये बेचारे आध्यात्मिक आजादी के बारे में कुछ जानते नहीं, इनको पता ही नहीं कुछ, तो बर्बादी को आजादी चिल्ला रहे, समय भी खराब कर रहे, शरीर की शक्ति भी नष्ट कर रहे, और ये समय शक्ति दोबारा इनको नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी इनको। जय गुरुदेव, धीरे धीरे सारा देश तुम्हारी नकल करेगा, लेकिन नकल नहीं अकल की जरूरत है। अगर अकल नहीं है तो नकल दुखदाई होगी, बहुत मार पड़ेगी। तो नकल ही जब अकल हो जाए तब तो नकल काम करेगी, अगर अकल नहीं तो नकल तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलिए सेवा में। देखो इधर ये आपका सब्जी फार्म है, क्योंकि इतने लोग रह रहे हैं उनके लिए सब्जी की व्यवस्था है। ये कोई व्यापारिक व्यवस्था नहीं है, ये अपने भोजन की व्यवस्था है, और जो लोग आते जाते हैं उनकी व्यवस्था उसी में शामिल है, तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। दो ढाई तीन सौ तो रहते ही है, बाकी उनके देखने आते नहीं, देखे हमारे लोग वहां रह रहे कैसे रह रहे। अगर एक दो हर परिवार से तो हजार हो गए, ऐसे ही तो हजारों की संख्या, तो ये तो मामूली है, ये तो कोई खास चीज नहीं है। फिर दूसरी बात, इसका प्रसारण हो रहा, ये अभियान बराबर जारी है सब जगह, तो अभियान बंद हो गया, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिंजागर गुरुद्वारे बंद है, लेकिन ये नहीं बंद, क्योंकि यहां कोई स्वार्थ की बात नहीं है, यहां कोई लोभ लालच की बात नहीं है, यहां किसी से कुछ लेना मांगा नहीं जाता, और सबकी सेवा की जाती है। ये तो सेवा धर्म है, तो लोग धीरे धीरे एहसास कर रहे, ऐसा नहीं है, सब एहसास करते, और सबको ये देखने को मिल रहा है कि सब जगह तो परेशानी है और सब जगह बीमारी है, मतलब यानी, लेकिन ये नैमिषारण्य की तपोभूमि, ये टुकड़ा इतना सुरक्षित क्यों है, इस पर लोग विचार कर रहे हैं। ये सब विचार आपका चल रहा है, सब मंथन हो रहा है, धीरे धीरे जब मंथन होगा तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकल आएगी जो सबके काम आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो तुम्हारा झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, डंडे की लंबाई कान के नीचे से, ये उसकी लंबाई है, वो बस झंडा, डंडा बगैर झंडे के सोना और झंडा बगैर डंडे के सोना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी बात लोगों को समझनी चाहिए, वो तुम्हारा जितना भी काम, जो भी कदम उठेगा, वो देश समाज के हित का, यहां कोई स्वार्थ की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। अब लोग हमारी बात न समझ पाए, हमारे सिद्धांतों को अनुकूलन न कर पाए, वो बातें गलत की, लेकिन मेरा जो भी कदम उठेगा वो परमार्थ के लिए उठेगा, समाज देश के को लाभ देने वाला उठेगा। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए, जितना उठा हो तो दिखाई देगा आपको, और आगे जो उठेगा वो भी दिखाई देगा। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलिए। देखो शाम को मैं सबसे मिलता हूं, एक समय निश्चित है, ये बार बार इतना समय मेरे पास नहीं है, और थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, इसलिए मतलब उतना काम लो जिससे काम चलता है, इतना काम ले लोगे तो ये बेकार हो जाए।